मराठा आंदोलन की वजह से 17 दिन तक महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल बना रहा। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जिद पर अड़े मनोज जरांगे पाटिल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वादे पर ही अपनी भूख हड़ताल को खत्म किया। ठीक है, 17 दिन तक चला यह आंदोलन बस एक वादे पे खत्म हो गया। इसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर मनोज जरांगे पाटिल ने अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए, क्योंकि सरकार ने लिखित तौर पर तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है और आरक्षण को लेकर इतनी सारी हिंसा हुई, उसके बाद यह आंदोलन एक झटके में कैसे खत्म हो गया? क्या मनोज जरांगे का आंदोलन सोची समझी रणनीति के तहत था? क्या मनोज जरांगे के आंदोलन के पीछे किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ था? क्या आरक्षण आंदोलन का मुद्दा उठाने के पीछे भी कोई मकसद था? क्या एकनाथ शिंदे की सरकार में हलचल मचाने के लिए आंदोलन को हवा दी गई थी? फिलहाल तो भाई ये सवाल राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचा रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठे हैं क्योंकि जिस तरह से एकाएक महाराष्ट्र आंदोलन की आग लगी थी, उसी तरह से ये बुझ भी गई। अब देखा जाए तो इस पूरे आंदोलन के केंद्र में थे मनोज जरांगे। मनोज जरांगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। सवाल ये उठ रहा है अब कि चुनावों के ठीक पहले मनोज जरांगे ने आंदोलन करने की क्यों ठानी? बताइए, क्या मनोज जरांगे को किसी दल ने आंदोलन करने के लिए कहा था? ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि मनोज जरांगे एक जमाने में ना कांग्रेस में हुआ करते थे। मनोज जरांगे ने अपने राजनीतिक करियर की जो शुरुआत है वो कांग्रेस से की थी। अब जरांगे पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता बने और उसके बाद कांग्रेस ने जरांगे को जालना जिले में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। हालांकि कुछ वक्त में ही जरांगे ने कांग्रेस का साथ छोड़ के मराठा आरक्षण के आंदोलन की राह को पकड़ लिया। अब इसके बाद जरांगे ने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था शिवबा संगठन। इसके बाद जब भी मराठा आरक्षण की आवाज उठी ना, मनोज जरांगे ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यकीन मानिए, इस बार भी 1 सितंबर को मराठा आरक्षण की आवाज जालना से उठी, लाठी चार्ज हुआ तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेता प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंच गए। अब उसके बाद ही मनोज जरांगे ने अनशन करने का फैसला किया और वो जाके अनशन पे बैठ गए। अब सवाल ये है कि क्या मनोज जरांगे किसी दल के इशारे पर आंदोलन करने बैठे थे? अब द बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात यह है कि क्या एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ मराठा आरक्षण का आंदोलन जानबूझ के करवाया गया और आंदोलन को खत्म करा के मुख्यमंत्री शिंदे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके विरोधी चाहे जितनी भी ताकत लगा लें, जितना भी जोर आजमा लें, शिंदे की सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप इस बारे में क्या बोलोगे, आप हमें कमेंट्स करके बताओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। और क्या करना है, इतना सिंपल तो है। वेल, इस तरह की और स्टोरीज देखने के लिए देखते रहो द बिग बेंच। बैठ के सोच।